एक पत्नी अपने पति को समझाए कि बोली कि मेरी अभी शिक्षा अधूरी है, मुझे ज्यादा नहीं तो इंटर करवा दीजिए। प्रदीप भैया क्या बोली? के सुन पिया हमार मोई इंटर करवा दे, सुन पिया हमार मोई में तकिए, और बोली उस समय दद्दा की सरकार थी मुलायम सिंह की, तो क्या बोली? अरे सरकार सपा की सैया से जब पास होई जाइए, अरे सरकार सपा की सैया से जब पास होई जाइए, और दे परीक्षा तब सैया रुपया 1500 लगिए, बन जाए शिक्षित भैया वीरेश। जब हम पढ़े लिखे हो जाएंगे ना, अब फिर तो पढ़े लिखने में गिनती हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे मालूम है? सुनो, अरे जींस की पेंट सारा टबी आई पी आंख में ये नककारी, हाँ फिर तो पढ़े लिखे हो जाएंगे ना, थकी पेंट झरा टबी आई पी आंख में ये नककारी, और कबू पहने लेगा चुनरी कबू चमकनी साड़ी कबू कुर्ता सलवार, तो जब फिल्म देख करके वापस आएंगे लौट के, तो ये गांव के लोग देखेंगे, हाँ तो जलवा ही अलग होगा, और क्या बोली? अरे लौटी सहरा से जब घर आए तो देखेंगे नर नारी, बोली अधिकारी आई गए थाने दा।
सुन पिया हमारा मोए में तकिए ए सुन पिया हमारा में फारम भरवाए दे सुन पिया हमारा मोए में तकिए बहुत सुंदर वीरेश भैया ये नई नई होली सुनने के लिए राघव माधव स्टूडियो बनवारा के सौजन्य से मैं संगीता शास्त्री गांव खरीद वालों की आवाज में होलियों का धमाका लेके आए हैं।